Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this Android app development course. And in this video, we are going to learn how we can share a link or a text in Android Studio, which means we are going to give functionality to this share link button in our web view. So let's just start. So फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी लिंक शेयर करने से पहले हमें वो लिंक चाहिए एंड जनरली यहाँ पे URL के अंदर हमारे पास वो लिंक आ चुका होगा. नाउ वी आर अज्यूमिंग कि इसके अंदर लिंक है और हमें उसे शेयर करना है और वन थिंग ये नल हो सकता है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है. ओके, सो हाउ वी कैन डू डैट. सो सिंपली हियर सबसे पहले हमने ऊपर क्या स्ट्रिंग यूज़ किया, हम उसका यूज़ करने वाले हैं. सो एक्चुअली हमने यहाँ पे शेयर लिंक का यूज़ किया, सो मैं इसे सिंपली यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ. सो सिंपली कंट्रोल सी एंड जस्ट बिलो मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ इन साइड दिस एंड सिंपली दो कर्ली ब्रेसेस. एंड इसके अंदर हम लोग लिंक शेयरिंग की फंक्शनैलिटी देने वाले हैं. सो फॉर शेयरिंग अ लिंक और URL मैं यहाँ पे शेयर कॉम्पैक्ट का यूज़ करने वाला हूँ और टू कीप इट सिंपल मैं इंटेंट्स का यूज़ करूँगा. सो यहाँ पे एक शेयर कॉम्पैक्ट विच इज़ androidx.core.app नाम का एक पैकेज है. सिंपली हियर डॉट एंड यहाँ पे मुझे पहला ही ऑप्शन दिख रहा है इंटेंट बिल्डर. सो सिंपली क्लिक ऑन इट एंड इसके अंदर हमें यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट पास करना है. सो सिंपली रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट एंड आफ्टर दैट डॉट एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है स्टार्ट चूजर. सो ये फंक्शन हमें एक्चुअली लास्ट में कॉल करना है, उससे पहले हमें कुछ चीज़ें और इसके लिए सेट करनी है. सो व्हाट आर दोज थिंग्स. सो सबसे पहले हमें इसे एक आईडी देनी पड़ेगी. सो हम लोग चाहे तो चूजर को भी एक आईडी दे सकते हैं. सो मुझे एक वायर कैरियर एक स्ट्रिंग पास करनी है. सो सिंपली हियर लेट्स से शेयर शेयरिंग URL. आप कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हो या आप कोई भी टाइटल यूज़ कर सकते हो, आपको दिखाई देगा जब ये चूजर क्रिएट होगा डॉट एंड उसके बाद यहाँ पे सेट टाइप होता है. सो इन आ के सिंस हमें एक URL शेयर करना है जो टेक्स्ट टाइप में आता है और ये जनरली प्लेन टेक्स्ट है, कोई अनकोडेड टेक्स्ट नहीं है. सो डैट्स वाई मैं सिंपली इतना लिख रहा हूँ एंड इसके बाद डॉट एंड हमें इसके बाद मैसेज भी सेट करना है. सो डॉट सेट मैसेज एंड सिंस वी वॉन्ट टू शेयर डैट URL सो मैं यहाँ पे सिंपली URL लिख रहा हूँ एंड डैट्स इट. एंड हियर बिलो मैं डॉट स्टार्ट चूजर को कॉल करूँगा एंड विद दिस हमारा ये शेयरिंग का वर्क हो जाएगा. यप डैट्स इट, हमें इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं. नाउ इट कैन बी पॉसिबल ये URL हमें नल मिले. और अनदर थिंग, कुछ कुछ केसेस में ऐसा होगा कि हमें इमेज के URLs मिलेंगे. सो ये इमेज के URLs को हैंडल नहीं करता, सो हम उसे भी हैंडल कर लेते हैं यहाँ पे. सो वैल एंड इफ इन दैट केस अगर ये इमेज URL है, सो मैं इसे कह रहा हूँ इमेज URL इज इक्वल टू एंड सिंपली योर मैसेज डॉट डेटा डॉट गेट स्ट्रिंग. एंड इन आर केस इमेज के केस में हमें src नाम का एक एट्रीब्यूट मिलता है, सो वी नीड टू यूज़ दैट. सो यू सिंपली मैं एक टेम्पररी URL बना रहा हूँ जो एक्चुअली मैं यहाँ पे शेयर करूँगा क्योंकि हमारे पास दोनों में से कोई भी एक हो सकता है. सो आई एम कॉलिंग इट वैल एंड लेट्स से टेम्प URL इज इक्वल टू इसके अंदर बाई डिफॉल्ट ये URL होगा एंड इफ इट्स नॉट नल या अगर ये नल है इन दैट केस यूज़ इमेज URL. एंड सिंस इन दोनों में से दोनों नल हो सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. सो यू विल सी ये भी एक नल टाइप का है. ओके, सो अगर ये नल है, इफ़ टेम्प URL इज इक्वल टू नल. ओके, या लेट्स से यहाँ पे मैं नॉट यूज़ कर लेता हूँ. अगर वो नल नहीं है इन दैट केस यहाँ पे टेम्प URL यूज़ होना चाहिए. एंड कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि हमें नल वैल्यू मिलते हैं, मैं आपको बताऊंगा. एल्स हम लोग यहाँ पे सिंपली एक स्नैक बार शो करा देंगे कि URL वैलिड नहीं है. सो सिंपली हियर स्नैक बार डॉट मेक एंड सिंपली यहाँ पे हमें एक व्यू पास करना पड़ेगा. सो मैं सिंपली यूज़ कर सकता हूँ बाइंडिंग डॉट वेब व्यू या लेट्स से रूट भी चलेगा कॉमा एंड आफ्टर दैट हियर मैसेज. सो नॉट अ वैलिड लिंक. ओके, एंड मैं सिंपली ये मैसेज शो करा रहा हूँ एंड इसके बाद ये कितने ड्यूरेशन के लिए, सो मैं इसे 3 सेकंड की ड्यूरेशन के लिए शो करा रहा हूँ डॉट शो. ओके, सो नाउ हमारी शेयर की फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो चुकी है. सो नाउ लेट्स रन द एप्लीकेशन एंड टेस्ट इट. सो बिफोर रनिंग दिस एप्लीकेशन एक्चुअली हमने यहाँ पे सेट टाइप पास कर दिया है. एक्चुअली यहाँ पे सेट टेक्स्ट होना चाहिए क्योंकि हमने टाइप ऑलरेडी बाजू में पास कर दिया है. सो नाउ लेट्स रन द एप्लीकेशन एंड टेस्ट इट. सो ऐप इज़ इंस्टॉल्ड एंड नाउ मैं कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ. सो लेट्स से मैं अपने बुक मार्क गूगल पे क्लिक करता हूँ एंड आफ्टर डैट मैं यहाँ पे कुछ URLs लोड करने का वेट कर रहा हूँ. सो यहाँ WWE Monday Night Raw मैं इस पर क्लिक करूँ, शेयर लिंक पे क्लिक करूँगा
एंड यू विल सी यहाँ पे एक शेयर इंटेंट आता है जिसका टाइटल है शेयरिंग URL, जो हमने यहाँ पे सेट चूजर टाइटल में सेट किया था। नाउ लेट्स से मैं जीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यू विल सी उसका URL शेयर हो रहा है। ये काफ़ी बड़ा है बट इट इज़ शेयरिंग। ओके सो मैं इसे डिस्कार्ड कर रहा हूँ सिंपली फ्रॉम हियर। हम लोग इमेज के साथ भी ये ट्राई करके देखेंगे। सो मैं इस गूगल वन के साथ ट्राई कर रहा हूँ। सो सिंपली शेयर लिंक एंड नाउ लेट्स से मैं जीमेल सेलेक्ट करता हूँ एंड यू विल सी यहाँ पे इमेज शेयर हो रही है समथिंग कलर 156 एंड एक्सेट्रा। सो मैं इसे भी डिस्कार्ड कर रहा हूँ एंड नाउ मैं एक इशू आपको बताने वाला हूँ हमारी एप्लीकेशन का। सो लेट्स से मैं सिंपली गूगल सर्च करता हूँ एंड यहाँ पे गूगल का जो लोगो है इफ़ आई क्लिक ऑन इट एंड हियर शेयर लिंक पे अगर मैं क्लिक करता हूँ देन अगेन शेयर URL अगर मैं जीमेल सेलेक्ट करता हूँ यू विल सी इंस्टेड ऑफ URL यहाँ पे कुछ बहुत वियर्ड सा शेयर हुआ है। ओके एक्चुअली इफ़ यू लुक इट हियर अबव ये एक इमेज है PNG टाइप की और इसका जो कोडिंग है वो है Base64। सो एक्चुअली ये सारा का सारा बाइट्स कोड से बाइट कोड इसलिए वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट किया जाता है कि इमेजेस को फास्ट लोड किया जा सके, सर्वर से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती और सिंपली इस बाइट कोड से इमेज को लोड किया जाता है एंड शो किया जाता है। बट इन आर एप्लीकेशन हमें जब इमेज शेयर करने की बात आती है इन दैट केस ये बाइट कोड हमारे लिए यूजफुल नहीं है। सो हाउ वी कैन टैकल दैट ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।